10-20 हज़ार रुपए देके भी आप लेके जा सकते हैं इलेक्ट्रिक कार को। 20,000 रुपए 25,000 रुपए भी आप देते हैं, मैं कमर्शियल नंबर और प्राइवेट नंबर दोनों में दे सकता हूँ। ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं और जो है आपका हीटर और एसी, हीटर हो गया। 1 रुपए किलोमीटर इसका रनिंग कॉस्ट है मेंटेनेंस के साथ इंक्लूड करके। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है, ये फास्ट वाला हो गया। हाँ दोस्तों, अगर आप भी ढूंढ रहे हैं कम पैसे में इलेक्ट्रिक कार तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको फेक नहीं है, ये क्लिक बेट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि ओरिजिनलिटी प्रैक्टिकली आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप बहुत ही कम पैसे में ना इलेक्ट्रिक कार लेके जा सकते हैं। इस चैनल पे मोस्टली आप देखते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, थ्री व्हील इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक बाइक, लेकिन आज बहुत ही कम पैसे में इलेक्ट्रिक कार भी आप घर लेके जा सकते हैं। तो मेरे पीछे आज देख रहे हो पूरी तैयारी हो चुकी है, गुब्बारे वुब्बारे स्पेशली लगाए गए हैं। रीज़न पूछते हैं क्या रीज़न है यहाँ के ऑनर से, स्पेशली आज तैयारी कर रखी है। तो मैं ऑनर को बुलाना चाहूँगा यहाँ पे, महिंद्रा फर्स्ट क्लास से रिच कार से जो है। ऑनर है, कैसे सर आप? ऑल वेल। तो ये बताइए कि ये तैयारी किस चीज़ की है? ये तैयारी जो है आपके लिए है, कस्टमर्स के लिए है, पूरा पैन इंडिया जो हमारा एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है इलेक्ट्रिक कार्स का, उनके लिए है कि आइए टेस्ट ड्राइव लीजिए। रिपब्लिक डे पे जो स्पेशल डिस्काउंट्स हम दे रहे हैं वैलेंटाइंस डे तक, उसको एंजॉय कीजिए। 1 रुपए किलोमीटर में राइड जो है आप करिए। अच्छा, और ये जो आजकल पेट्रोल डीजल और जो जितना भी ये एक्सपेंसिव हो गया है लॉजिस्टिक्स, पेट्रोल डीजल तो छोड़ो सर, सीएनजी के भी दाम बढ़ गए, 92 रुपए और ऑलमोस्ट बराबर पहुंचे हुए हैं। तो उसको खत्म करने के लिए या उसका बर्डन कम करने के लिए कस्टमर्स के लिए हमने एक स्पेशल प्रोग्राम चालू किया है महिंद्रा फर्स्ट चॉइस रोहिणी दिल्ली सेक्टर 31 में। और ये अकेली महिंद्रा फ्रेंचाइजी है अक्रॉस इंडिया जो इलेक्ट्रिक कार्स जो है दे रही है कस्टमर्स को, डिस्काउंटेड रेट पे दे रही है और 100% फाइनेंस के साथ दे रही है। 100% फाइनेंस के साथ दे रही है और पेट्रोल डीजल से निजात पाने के लिए स्पेशली ये मुहिम चलाई जा रही है। बिल्कुल, रिच कार्स की तरफ से स्पेशली, इसीलिए ये जो है स्पेशल डिस्काउंटेड सेल है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको 10 लाख से स्टार्टिंग है या 20 लाख से स्टार्टिंग है। मैं तो कहूँगा 20-25 हज़ार से स्टार्टिंग है। लो 25,000 रुपये दीजिए डाउन पेमेंट में और पूरा कंसेप्ट ही चेंज कर दिया भाई साहब, चेंज कर रहे हैं। 10 लाख नहीं 20 लाख ली, 10,000-20,000 रुपए लेके आओ और गाड़ी लेके चले जाओ। अब मेंटेनेंस इसकी कितनी होती होगी? मेंटेनेंस इस गाड़ी की नॉर्मल जो पेट्रोल डीजल सीएनजी गाड़ियां हैं उसके कंपैरिजन में 1/5 भी नहीं है। ओके, आप तो जीरो बोलना सही होगा, हाँ आप कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि 20,000 किलोमीटर पे सिर्फ 4,000 रुपए की सर्विस होती है जिसमें ब्रेक पैड्स वगैरह चेंज होते हैं। बाकी इस गाड़ी में ना ऑयल चेंज है ना कोई और ऐसी जो है लाइबिलिटीज हैं पार्ट्स वगैरह की कि भाई आप जो है जैसे पेट्रोल डीजल में रहते हैं। तो चलिए बाकी की फैसिलिटी बीच में वीडियो के डिस्कस कर लेंगे, शुरू करते हैं अपनी, एक बार देख लेते हैं कि कितनी गाड़ियां। तो अब चलते हैं भाई, ये जो है ना आप देख रहे हैं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस रिच कार्स के नाम से इनका जो है सेक्टर 31 बताया आपने, सेक्टर 31 रोहिणी, बिल्कुल मेन रोड। जस्ट आपको मैं कैमरा से दिखाता हूँ, मैं मेन रोड के जस्ट आप जाएंगे यहाँ से ना तो आपको ये दिख जाएगा यहाँ पे ऑफिस इनका। और ये अब मैं आपको एक बार नजर दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ हैं। फिलहाल जो है यही गाड़ियाँ रहती हैं या इसके अलावा और भी गाड़ियाँ होती हैं? नहीं, ये गाड़ियाँ तो मैंने अभी शो के लिए रखी हैं, अदरवाइज अच्छा। हमारे पास गाड़ियों की इन्वेंट्री बहुत है। अच्छा, मतलब 20-30 गाड़ियाँ जो है 40 गाड़ियों तक हमारे पास इन्वेंट्री में आती हैं, क्योंकि जब हम लॉट लेते हैं तो वो एक साथ ही आते हैं, लेकिन वो मुश्किल से हफ्ते भर रुकती हैं और फिर वो निकल जाती हैं। डिमांड इतनी है, डिमांड इतनी है। ये गाड़ियां हैं आप देख रहे हैं, सेडान, प्रॉपर सेडान, प्रॉपर सेडान गाड़ी है आप देखिए। बल्कि तो पास में आपको एक बार एक गाड़ी का जो भी डिटेल्स है वो दिखाता हूं मैं एक बार। 5 सीटर गाड़ियां हैं आरसी के हिसाब से भी और स्पेशियस गाड़ियां हैं। और ये महिंद्रा की ई वेरिटो महिंद्रा की ई वेरिटो है। अच्छा, इसमें डीजल में भी एग्जिस्टिंग मॉडल अपनी चलती है, चल रही थी। हाँ, शुरू में डीजल पेट्रोल में गाड़ियां आई थी, लेकिन ये गवर्नमेंट इसके अंदर आपको फीचर्स की बात करें जी, ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं और जो है आपका हीटर और एसी, हीटर हो गए आपके, ये सेंट्रलाइज है इसमें, ठीक है। कंडीशन नहीं है या चली हुई गाड़ियां होती है ये? देखने में तो नई जैसी लग रही है। हाँ, नई गाड़ियां हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि ये गवर्नमेंट टेंडर्स में चल रही हैं, कॉर्पोरेट में चल रही हैं, ठीक है, इंडिविजुअल से नहीं, ये ली हुई हैं गाड़ियां। 1 रुपए किलोमीटर इसका रनिंग कॉस्ट है मेंटेनेंस के साथ इंक्लूड करके। अच्छा, तो इसलिए जो है ये अच्छी कंडीशन की गाड़ियां रहती है। चार्जिंग के ऑप्शन कहाँ कहाँ पर है? और चार्जिंग के ऑप्शन अगर आप घर पे करना चाहें, ये फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है, ये फास्ट वाला हो गया। हाँ, ये आपका पूरा ऐप आती है इलेक्ट्रीफाई, तो इलेक्ट्रीफाई को आप देखेंगे तो उसमें जहाँ पर भी जो गवर्नमेंट ने और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्टअप हुआ है उसमें सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल होता है कि कौन से स्टेशन पे अवेलेबल है, किस वक्त क्या पोजीशन है, ठीक है। और घर पे चार्ज करना है तो जैसे पेट्रोल का जो एक आपका कैप होता है राइट साइड में, अच्छा मैं पीछे दिखाना, पीछे की साइड, हाँ वो आप घर पे भी कर सकते हैं, घर पे भी। उसके लिए कोई अलग से इंस्टॉलेशन की जरूरत तो नहीं होगी?
नहीं, बस अर्थिंग होना चाहिए आपका। ओके हाँ, अर्थिंग होनी चाहिए, एडिशनल कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, इसकी चार्जिंग जो कंजप्शन कॉस्ट है, इलेक्ट्रिक कंजप्शन कॉस्ट कितनी पड़ जाती होगी, क्योंकि ना 0 to 100 में इसके कंजप्शन कॉस्ट है 13 यूनिट्स, तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, अभी दिल्ली में इसको आप बोलें तो 90 रुपीस में ये 120-140 तक की रेंज आपको देती है। अच्छा, तो यू कैन से अराउंड 75 पैसा पर किलोमीटर आपको गाड़ी पड़ जाएगी। 70 पैसा पर किलोमीटर तो बहुत कुछ भी नहीं है। करेंगे अगर आप पेट्रोल और डीजल की गाड़ी चलाते हैं, अगर आप 100 किलोमीटर 1000 रुपए में जाते हैं, तो यहाँ पे 90 रुपए में आप 120 किलोमीटर घूम के आते हैं। ठीक है, मोस्टली ये दिल्ली सरकार में देख रहा हूँ, पर इसकी स्पेशली दिल्ली सरकार ने जो है अब बोल दिया है कि हमें पोल्यूशन फ्री गाड़ियाँ चाहिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चाहिए पूरे की पूरी दिल्ली के डिपार्टमेंट्स में, जितना भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, मशीनरी है, तो हम ये गाड़ियाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो वेंडर्स जिन्होंने टेंडर्स लिए हुए हैं उनको भी सप्लाई कर रहे हैं। पैरेलली अगर कोई भाई चाहता है कि वो इन गाड़ियों को इन्वेस्टमेंट की तरह देखे, तो हम उन टेंडर्स और उन वेंडर्स को भी ये गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं। अगर वो ख़रीद के उनके साथ लगाना चाहें तो वो इसको एक कमर्शियल बिजनेस प्रपोजिशन की तरह भी देख सकते हैं। ओके, और ये गाड़ियाँ जो हैं ऑलरेडी हमारी 200 गाड़ियाँ पीएम और कुछ अलग गवर्नमेंट टेंडर्स में ऑलरेडी अब वर्किंग है, काम कर रही हैं, लगी हुई हैं। ठीक है, तो दे आर मोस्ट वेलकम इफ दे लुक एट इट एज इन्वेस्टमेंट। तो भाई गाड़ी एक है, फायदे अनेक हैं जी इलेक्ट्रिक कार का। मैं एक्सपो में गया था, अभी आपको बता दूं जी, तो वहां पे ना मोस्टली जो कवरिंग थी ना वो सारे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ही कवरिंग थी। तो आप सोच सकते हैं कि अभी जो फ्यूचर है वो आपका इलेक्ट्रिक ही है, क्योंकि डीजल तो वैसे भी तो पेट्रोल सीएनजी के भी रेट बढ़ी चुके हैं। बिल्कुल, तो आजकल प्रेफरेंस जो आजकल मोस्टली होती है कि इलेक्ट्रिक कार पे ही होती है, लेकिन सवाल ही होते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में कुछ सवाल होते हैं कि कहीं गाड़ी बीच में बंद होगी तो क्या ऑप्शन क्या होता है। वैसे देखिए नॉर्मली तो ये गाड़ियाँ ब्रेक डाउन होती नहीं है, ठीक है, और ये लोकल चलने के लिए गाड़ियाँ हैं। अदर देन दैट भी हम RSA दे रहे हैं हर गाड़ी के साथ, जिसको कि रोड साइड असिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो आपको 1-800 नंबर महिंद्रा का भी होता है, उसमें और भी है, वो आपको वहाँ पे जैसे भी अगर कोई ब्रेकडाउन बाई चांस हो गया तो उस केस में RSA मिल जाता है, रोड साइड असिस्टेंट की फैसिलिटी मिल जाती है, RSA इसमें मिलता है आपको। ठीक है, स्पीड इसकी कितनी रहती है? देखिए दिल्ली में तो स्पीड का जो पैरामीटर है वो 60 बिल्कुल, और अब मैक्सिमम 80 तक है, ये आपको 85-90 तक स्पीड देती है। तो 90 तक स्पीड है इलेक्ट्रिक कार आपके लिए, मेरे ख्याल से शायद इनफ है ये बिल्कुल। जो है कुछ भाई जैसे गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनका A to B पॉइंट जो है फिक्स है कि हमें इतनी गाड़ी चलानी है, तो 120-140 किलोमीटर तक की रेंज की गाड़ियाँ मेरे पास अवेलेबल हैं। कुछ गाड़ियाँ मैं छोटी भी लेके आ रहा हूँ, वो 200 किलोमीटर तक की रेंज की। अच्छा, वो 200 किलोमीटर चलने वाली है, शायद मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने वीडियो में भी देखी नहीं होगी, या शायद उसको अभी शो ऑफ ज्यादा नहीं किया होगा, बहुत कम ही होगा हुआ। तो साथ में इलेक्ट्रिक छोटी कार भी है जी। इसकी अगर पैसे की बात करें तो डाउन पेमेंट आपने बताया शुरू में कि 10-20 हज़ार रुपए देके भी आप लेके जा सकते हैं इलेक्ट्रिक कार को। 20,000 रुपए 25,000 रुपए भी आप देते हैं, 10,000 रुपए भी आप लाते हैं विद फाइल, आपका सिविल स्कोर अगर अच्छा है सब कुछ है, हम 100% तक फाइनेंस करवा देंगे। पैसे इसके अगर बात करें तो 6 लाख से कम में, 6 लाख से कम में गाड़ी दे देंगे, 6 लाख से कम में भी। ये 13,17,000 रुपए की इसकी इनवॉइस वैल्यू होती है जब गाड़ी आती है, और मैं आपको ये समझिए कि 4 साल पुरानी गाड़ी हाफ से भी कम प्राइस में आपको देने को तैयार हूँ। ओके, तो चार्जिंग फास्ट ऑप्शन भी है। IDV वैल्यू जो है वो 7.5 लाख के आसपास है। अच्छा, 7.5 लाख वैल्यू 7.5 लाख के आसपास है, जो मार्केट के हिसाब से मैं आपको 6 लाख से कम में ये गाड़ी दे दूँगा। ठीक है, तो एक छोटी गाड़ी भी है भाई जिनका बजट कम है, उसके लिए भी ऑप्शन है, और ये 5 सीटर में अपनी ये जो वेरिटो है, और ये आई थिंक 4 सीटर में, 4 सीटर कह सकते हो आप। तो इसको इसका एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, वॉक अराउंड एक बार आप देख लीजिए क्या वैसे इसकी ओवरऑल डिटेल है। इसकी ओवरऑल डिटेल जो है, ये गाड़ी है महिंद्रा की ही E2O, ठीक है, जिसकी इनवॉइस वैल्यू करीब करीब 9.5 लाख रुपए के आसपास है जब आप नई गाड़ी लेते हैं। और ये जो गाड़ी है, अब स्पेसिफिक गाड़ी 12,000 किलोमीटर चली है सिर्फ। अच्छा, ये 12,000 चली हुई है, कम चली हुई, अच्छी क्वालिटी की गाड़ी। इंटीरियर की बात करें तो इसमें भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 4 सीटर में आ गई आपको, 4 सीटर में आ गई है। घर में ये 4 से 5 घंटे में चार्ज हो जाती है, ठीक है। फास्ट चार्जिंग स्टेशन के इसको चार्जिंग की बात करें तो 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, ठीक है। बड़ी गाड़ी 1.5 घंटा लेती है। ओके, और इनका जो रेंज है वो भी करीब करीब 100-120 किलोमीटर है, व्हेन वी टॉक अबाउट महिंद्रा E2O 140 तक भी है। और अगर हम बात करते हैं जो मैं दूसरी एडिशनल गाड़ियाँ ला रहा हूँ छोटी वाली ही इसी सेगमेंट में, मैं 200 किलोमीटर तक की रेंज की गाड़ियाँ अभी नेक्स्ट लॉट में आ जाएंगी मेरे पास, तो उसकी रेंज 200 के आसपास, उसकी रेंज 200 तक के आसपास भी जाती है, ठीक है। ये चलाने का भी इसका स्टाइल होता है, जब आप चलाते हैं गाड़ी तो ये बैटरी को रीजनरेशन भी देती है, चार्ज भी करती है। ओके, तो कई एडवांस फीचर्स उसमें है बिल्कुल। और इसमें अगर प्राइस की बात करें तो कहाँ तक के इसमें
इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये मैं आपको गाड़ी 5 लाख से नीचे दूंगा। 5 लाख से नीचे, हाँ। इसमें भी आप कितने डाउन पेमेंट की बात करें तो अगर लोन अगर फैसिलिटी अगर बात करें। आप 20-25 हज़ार की डाउन पेमेंट के बेसिस पे भी मैं बाकी का सारा फाइनेंस करवा दूंगा। ओके, इसकी स्पीड भी सेम वही 90 के आसपास। तो भाई जो आपके मन में सवाल रहता है ना इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने से पहले कि अगर गाड़ी कहीं बीच रास्ते बंद हो जाती है या कंजप्शन कॉस्ट कितनी होती है, खर्चा क्या होता है, तो इन चीज़ों पे हमने आज बात करी है, डिस्कस करी है। और इसके अलावा और भी कई सारे मॉडल्स हैं लेकिन गाड़ियाँ लिमिटेड होती हैं। अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर जो है कॉन्टैक्ट करके अपनी गाड़ी को, कितना पैसा ऑनलाइन दे के गाड़ी बुक कर सकते हैं आप? बस 10,000 रुपये के थ्रू टोकन मनी दे बुकिंग कर लीजिए और बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग करने के कितने दिन बाद गाड़ी मिल जाएगी? देखिए, बुकिंग करने के बाद गाड़ियाँ नॉर्मली तो हम हैंड टू हैंड ही दे देते हैं। जैसे ही आप आओगे, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लोगे और आप कंफर्म करोगे, आप गाड़ी लेके जा सकते हो। ओके। लेकिन कुछ गाड़ियाँ कभी कभार हमारे स्टॉक में नहीं होती हैं, कुछ नई गाड़ियाँ भी हमारे पास बिल्कुल फ्रेश गाड़ियाँ भी होती हैं, वो गाड़ियाँ जो हैं उनको आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो जो भी पोजीशन होती है वो हम पहले ही कस्टमर को बोलते हैं कि इसमें हमें इतना वक्त चाहिए होगा, तब हम आपको गाड़ी डिलीवर कर पाएंगे, वो हम अपफ्रंट बता के चलते हैं। ऑन द टॉप ऑफ दैट मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारा कस्टमर बेस है, एक तो गवर्नमेंट सेगमेंट में हमारी ये सीडान गाड़ियाँ लगती हैं, जो गवर्नमेंट में लग रही हैं। आप देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार हर गाड़ी पर लगा हुआ है, तो ये गाड़ियाँ हमारी टेंडर्स में जाती हैं। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें ये जो छोटी गाड़ियाँ हैं, ये मैं कमर्शियल नंबर और प्राइवेट नंबर दोनों में दे सकता हूँ। अच्छा, ये वाली? ये वाली गाड़ियाँ, तो आप इन गाड़ियों को भी, बड़ी गाड़ी भी और छोटी गाड़ी भी, मैं दोनों सेगमेंट में दे सकता हूँ। और इनमें आप जो देखोगे कि 200 किलोमीटर की रेंज की गाड़ी अगर ऊबर ओला के ड्राइवर्स को चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये गाड़ियाँ हम गवर्नमेंट में नहीं लगाते, ये गाड़ियाँ हम मेनली या तो कॉर्पोरेट में लगाते हैं या होटल रिजर्वेशंस में लगवाते हैं, या फिर आप इंडिविजुअल यूज़ के लिए भी ले सकते हो घर के लिए, और लेडीज़ भी चला सकती हैं, सीनियर सिटीजन भी चला सकते हैं। कोई गली नहीं होगी जिसमें ना निकले। बिल्कुल सही बात है। तो ये फैमिली कार, छोटी कार, थोड़े जो है कंसल्टेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए, और अगर ड्राइवर्स भी इनको अपनी गाड़ियों के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो इसको प्रॉफिटेबली यूज़ कर सकते हैं। तो भाई ये थे जो भी आपके मन में सवाल रहते ना इलेक्ट्रिक कार को लेकर, वो आज उन पर हमने चर्चा की है। इलेक्ट्रिक कार एक तो हमने सेडान दिखाई आपको 5 सीटर में, वो लेके आ सकते हैं 6 लाख से नीचे, 10-20 हज़ार रुपये लेके इलेक्ट्रिक कार अपने घर लेके जाए। हमारे पास नई गाड़ियाँ भी अवेलेबल हैं, बिल्कुल फ्रेश गाड़ियाँ भी अवेलेबल हैं और यूज गाड़ियाँ भी। जैसे ये कुछ चली हुई गाड़ियाँ हैं, ये कुछ कोई 25,000, 35,000, 40,000, 50,000 के आसपास जो भी चली हुई है, ये बिल्कुल नई गाड़ी है। और जैसे ये मेरी बैक साइड में, ये बिल्कुल नई गाड़ी है, ये हाँ, ये नई ली थी हमने। और वो जो उधर राइट साइड पीछे आप देखो, आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखो आप बिल्कुल ब्रांड ये गवर्नमेंट के उसमें लगी हुई है गाड़ी। हाँ, ये बिल्कुल नई गाड़ी लगी थी गवर्नमेंट। ओके, ये यूज भी लगी हुई है, नई भी लगी। तो सारे ऑप्शन है आपके पास, आप चाहे यूज ले सके या आपको अगर बिल्कुल ब्रांड न्यू चाहिए, नहीं मुझे तो नई वाली चाहिए जी, तो आप नई भी लेके जा सकते हैं। सिर्फ आप अपने डॉक्यूमेंट ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लेके आए, सिविल अच्छा हो आपका, हाँ, तो आप गाड़ी को बहुत ही कम पैसे देके अपने घर लेके जा सकते हैं। छोटी गाड़ियों में आपको यूज मिलेंगे हमारी, पर वो यूज भी ऐसी होंगे कि वो नई के कंडीशन में। अब इसी गाड़ी को आप देखोगे, ये 12,000 किलोमीटर चली है सिर्फ। ओके, तो मेरे पास जो और नई गाड़ियाँ छोटी में, सॉरी यूज गाड़ियाँ जो आ रही हैं मेरे पास अभी, वो कोई गाड़ी 2,000-4,000 किलोमीटर चली है, कोई 8,000 चली है, कोई 5,000 चली है, क्योंकि वो प्राइवेट मतलब पार्टी ने यूज़ की गाड़ियाँ हैं और कोविड की वजह से ही ये इतनी कम चली हैं। तो पूरी फ्लीट भी किसी को चाहिए, मुझसे 50-100 गाड़ियाँ भी चाहिए तो वो मैं छोटी गाड़ियों में प्रोवाइड कर सकता हूँ। ओके, तो आप मल्टीपर्पज मल्टी प्लेस पे आप इसे यूज कर सकते हैं इन गाड़ियों को। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मन में सवाल हो तो कमेंट तो जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।